सिद्दीकी कंपन का नाम तो याद होगा आपको, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर से याद कीजिए। हाथरस की कभी ना भूलने वाली घटना तो याद है ना। कंपन सिद्दीकी वही पत्रकार हैं जो हाथरस गैंगरेप की घटना को कवर करने गए थे और उस समय उनके ऊपर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने, पीएफआई के सदस्य होने और यूएपीए का एक्ट लगाकर उन्हें और उनके साथ चार और कथित आरोपियों को जेल में बंद कर दिया गया था और कंपन अभी तक जेल में ही सड़ रहे थे। जी हाँ, क्योंकि अब जो उनकी हालत हो चुकी है उसे बयां करने के लिए ये शब्द उनके ऊपर उपयुक्त बैठता है। लेकिन आज हम इस पत्रकार की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम उनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में उन्हें कोरोना वायरस हो गया था और ऐसे हालात में भी उनके साथ बर्बरता जारी थी। इसी मामले को लेकर, यानी कंपन के मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सिद्दीकी का इलाज दिल्ली के अस्पताल में होगा और जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तब उन्हें मथुरा के जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कंपन सिद्दीकी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसे मथुरा अस्पताल की ओर से छुट्टी भी दे दी गई है। अब हम आपको बता दें, इससे पहले उनका मसला दो राज्यों का मसला बन गया था। उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने यूएपीए कानून के तहत बंद सिद्दीकी कंपन का मेडिकल रिकॉर्ड कल मांगा था। इस मुद्दे पर बुधवार यानी आज सुनवाई हुई है। यूपी सरकार ने इस याचिका का कल विरोध किया था। उनका कहना था कि नियमित याचिका दाखिल हो। अगर हम कंपन की बात करें तो उनका कहना था कि उन्हें चेन से बांधा गया था, जिसे योगी सरकार ने गलत बताया है। हम आपको बता दें, केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए सिद्दीकी कंपन को कल दिल्ली के एम्स या सफदरगंज अस्पताल में रेफर करने की मांग की थी। कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि सिद्दीकी कंपन को कोरोना हुआ था, जिसके बाद उनको मथुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था, जिसके बाद वो ना तो खाना खाने में असमर्थ थे और ना ही टॉयलेट जा पा रहे थे। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी और वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा किया गया था। एक और कंपन की पत्नी ने देश के नए न्यायाधीश एनवी रमन्ना को लेटर लिखा था, तो वहीं दूसरी ओर केरल के सीएम पिनरई विजयन ने भी इस मसले को लेकर योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी। वैसे कंपन की पत्नी ने जो सीजीआई को खत में लिखा था वो हम आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने लिखा, हैरानी की बात यह है कि पिछले 6 अक्टूबर 2020 को दायर याचिका को 7 बार सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें रिहा करने पर सुनवाई नहीं हुई है और ये लंबित ही है। इस पूरे घटना और पति की स्थिति को देखते हुए कंपन की पत्नी ने ये गुहार लगाई थी कि उन्हें मथुरा अस्पताल से निकाल कर मथुरा के ही जेल में रखा जाए, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाने का आदेश दिया है। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार कंपन को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो दलित लड़की के साथ बलात्कार और हत्या करने पर वहां सांप्रदायिक समस्या खड़ी करने और जातिगत दंगों को बढ़ाने की साजिश करने के लिए हाथरस जा रहे थे। पुलिस का आरोप है कि उनका और उनके साथियों का उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाने का मकसद था, इसलिए वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।